तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर इंटरनेट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना जो वजीर एक्स का अकाउंट है उसको क्लोज कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी अपने वजीर एक्स के अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं और क्लोज नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। इसके अंदर मैं आपको पूरा का पूरा तरीका बताने वाला हूं कि अपने जो वजीर एक्स का अकाउंट है उसको क्लोज कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वजीर एक्स के अकाउंट को क्लोज करने के लिए आपको सबसे पहले जो है वजीर एक्स को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको यहाँ देखिए दोस्तों देखने को मिल जाता है, जैसे कि आपको पता है। अब आप देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे अकाउंट सेटिंग का जो ऊपर ऑप्शन मिल रहा है लेफ्ट हैंड साइड ऊपर कॉर्नर के अंदर, आपको इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसे सेटिंग्स जो है आ जाएंगी। अब आप यहाँ पे जब ऊपर की ओर स्क्रॉल करोगे, जब आप पेज के एंड के अंदर जाओगे तो वहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्पॉट एंड कॉन्टैक्ट अस का, तो आपको इसके ऊपर सिंपली से क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो है यहाँ पे जो साइट है इनकी लोड होकर आपके सामने आएगी। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी दोस्तों आपको देखिए ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। ऊपर की ओर जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइनिंग अप एंड अकाउंट मैनेजमेंट का, ये देखिए मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ अच्छे से। तो इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जब आप इसको सिलेक्ट करोगे दोस्तों देखिए कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। अब काफ़ी सारे पॉइंट दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और जब दोस्तों आप इसी पेज के एंड के अंदर जाओगे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा हाउ कैन आई क्लोज माई वजीर एक्स अकाउंट, तो आपको इसके ऊपर सिंपली से क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने जो इनका आर्टिकल है ये देख लीजिए देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे देखिए दोस्तों ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट ए रिक्वेस्ट, आपको इसके ऊपर सिंपली से क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक देखिए सबमिट रिक्वेस्ट के नीचे आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जब आप इसको ऐसे ऊपर की ओर स्क्रॉल करोगे तो आपको देखिए यहाँ पे कोई अगर आपका इशू मैच कर रहा है यहाँ पे तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना आपको जो लास्ट के अंदर अदर्स का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए दोस्तों नीचे कुछ सेक्शन जो है वो और आ जाएंगे, इनको आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहले मेरे से जो मेरी ईमेल एड्रेस है वो मांग रहा है, जो मैंने इस अकाउंट को बनाते वक्त दिया था वही ईमेल एड्रेस हमें यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना ईमेल एड्रेस जो है फिल कर दिया है। दोस्तों ईमेल एड्रेस भरने के बाद आपसे जो नेक्स्ट चीज ये पूछ रहा है वो है काइंडली सिलेक्ट योर क्वेरी, यानी कि आप ये वजीर एक्स का जो अकाउंट है इसको बंद क्यों कर रहे हैं उसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं। तो आप जब इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ से अगर आपका कोई ऑप्शन मैच हो रहा है तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, वरना आपका जो लास्ट के अंदर आपको मिल जाएगा यहाँ पर भी एनी अदर का, तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, सभी के अंदर वर्क कर जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है दोस्तों वो है सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अंदर दोस्तों यहाँ पे आपको फिल कर देना है आई वॉन्ट टू क्लोज माई वजीर एक्स अकाउंट। और जब दोस्तों आप यहाँ पे ये भर देंगे तो आपको जो लास्ट ऑप्शन है वो है डिस्क्रिप्शन का, आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे ऐड करना होगा। तो वो आपको क्या करना है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिख के बता दूंगा, वहाँ से आप देख के अपने जो भी है यहाँ पे भर दीजिए। तो मैं अपना जो है डिस्क्रिप्शन यहाँ पे फिल कर देता हूँ। मैंने दोस्तों अपना जो डिस्क्रिप्शन है उसको फिल कर लिया है, ये सेम ही जो है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख के, और अगर आप ये वाला भरना चाहे तो भर सकते हैं, वरना अगर आप कोई अपना डिस्क्रिप्शन भी ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो अपना डिस्क्रिप्शन ऐड कर देने के बाद दोस्तों आपका जो फाइनल स्टेप रहता है वो है सबमिट का, आपको नीचे सबमिट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली से इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी जो यहाँ पे डिटेल है सबमिट हो जाएगी। अब दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको वेट करना है, आपके पास एक ईमेल रिसीव होगा, जो आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया है उसी ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको एक जो है ईमेल आएगा। तो दोस्तों जो ईमेल है उसको रिसीव होने के अंदर 24 से 48 घंटे लग सकते हैं, तो तब तक हम जो है वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों मुझे लगा काफ़ी टाइम इनको लगने वाला है हमें ईमेल करने के अंदर, लेकिन जैसे ही मैंने पहले वाली जो क्लिप है उसको रेडी किया मेरे को इंस्टेंटली जो इनका ईमेल है वो यहाँ पे रिसीव हो चुका है। तो दोस्तों देखिए कुछ इस तरह का ईमेल जो हमें रिसीव हुआ है, इसका जो स्क्रीनशॉट है मैं यहाँ पे डाल दूंगा स्क्रीन के ऊपर, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है दोस्तों कि हमें एक और ईमेल इसके बाद रिसीव होने वाला है, और दोस्तों हमें ये भी नहीं पता कि जो हमारा नेक्स्ट ईमेल है उसको आने के अंदर कितना टाइम लगेगा। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो के अंदर आगे आपको सब कुछ पता लगने वाला है। तो इनका जो नेक्स्ट ईमेल है उसके आने तक हम जो है वेट कर लेते हैं। दोस्तों इनका जो पहला ईमेल है उसको रिसीव हुए अभी 2 से 3 घंटे हुए थे, और इनका जो सेकंड ईमेल है वो भी मेरे पास आ चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये जो सेकंड ईमेल है इनका जो रिसीव हुआ कुछ इस तरह का है, इसका भी जो स्क्रीनशॉट है मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर डाल दूंगा, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो। बाकी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर लिखा क्या हुआ है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि हमें लिखने के लिए धन्यवाद, आपकी जो अकाउंट बंद करने की जो रिक्वेस्ट थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, और आपका जो वजीर एक्स का अकाउंट है उसको लॉक कर दिया गया है, यानी अब आप उससे जो ट्रेडिंग वगैरह है वो नहीं कर पाएंगे, उसको जो है बंद कर दिया गया है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि आपको जो है इस ईमेल जो आपको अभी रिसीव हुआ है इसके ऊपर आपको नीचे जाके रिप्लाई करना है, ताकि जो है आपका अकाउंट परमानेंटली क्लोज कर सकें। तो कन्फर्मेशन के लिए हमें यहाँ पे एक रिप्लाई करना होगा, तो आपको सिंपली से रिप्लाई के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों यस क्लोज माई अकाउंट लिख के आपको सेंड कर देना है।
और ये जो ईमेल आपका सेंड हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों अगर आप अपना अकाउंट जो है क्लोज कर रहे हैं तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये वाला जो अकाउंट बनाते समय आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपने केवाईसी के लिए यूज किए, चाहे वो आपका पैन कार्ड हो चाहे आधार कार्ड हो, उसको आप दोबारा अगर अकाउंट बनाना चाहो कोई और तो उसके अंदर यूज नहीं कर पाओगे। यानी कि दोस्तों अगर आपने सोचा हो कि मैं ये वाला अकाउंट बंद करके और सेम ही डॉक्यूमेंट के ऊपर अपने नाम से या फिर किसी और के नाम से अकाउंट बना लूंगा तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप जो डॉक्यूमेंट आपने इस वक्त यूज़ किया है वो आप दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी जो आपका अकाउंट है दोस्तों वो क्लोज हो जाएगा, अभी जो हमारा अकाउंट है वो क्लोज हो चुका है वैसे, और हमने जो कन्फर्मेशन के लिए मेल था वो ही भेज दिया है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपना जो जीरेक्स का अकाउंट है क्लोज कर सकते हैं, काफ़ी आसान स्टेप थे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।